Assalamualaikum viewers, you are watching Pakistan Khabar TV and me myself your host Mishi Naeem. नाज़रीन आपको बताती चलूँ, आज के जो हमारे गेस्ट हैं उन्होंने ख़िदमत खल्क को अपना प्रोफेशन बना लिया और विद इन पाकिस्तान डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहे हैं. CEO हैं दारे अरकम इंस्टीट्यूट्स के और अलखिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी. हमारे साथ मौजूद हैं सैयद वकास जाफरी. अस्सलाम वालेकुम सर. कैसे सर, सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि अपना मुख्तसर सा आप तारुफ करा दें, किन किन ऑर्गेनाइजेशंस को आप लीड कर रहे हैं. मेरा नाम, जिस तरह आप बताए कि वकास जाफरी मेरा नाम है. इस वक्त मैं जो दारे अरकम स्कूल्स हैं, पाकिस्तान की एक चेन है, एक अफोर्डेबल फीस के अंदर हम मिडिल क्लास के बच्चों और बच्चियों को तालीम दे रहे हैं, तो मैं उसका CEO हूँ इस वक्त. आप समझ लीजिए कि ये हमारा जिसे कहते हैं कि एक ब्रेड एंड बटर भी है, बिज़नेस है. इसके साथ साथ जो है कि एज़ ए वॉलंटियर ऑनरेडी तौर पर मैं अलखिदमत फाउंडेशन से वाबस्ता हूँ. और आपने कहा इंशाल्लाह प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, लेकिन ये पैशन है काम कर रहे हैं. उसके साथ साथ तालीमी इदारे दो तीन और भी हैं, मसलन गजाली एजुकेशन ट्रस्ट है, उससे मैं वाबस्ता रहा हूँ पिछले 20 साल. उसका चेयरमैन भी रहा हूँ, उसका बोर्ड का मेम्बर रहा हूँ, जो पाकिस्तान के देहातों में एजुकेशन का काम कर रहा है. बहुत ही एक रिप्यूटेबल इदारा है आफाक, कि जो पाकिस्तान के पब्लिक स्कूल्स के लिए भी और प्राइवेट स्कूल्स के लिए भी निसाब बनाता है और साज़े की ट्रेनिंग करता है. इस तरह कुछ लिखने पढ़ने का शौक़ है. मैंने मास्टर्स किए हुए हैं इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, एजुकेशन में, इस्लामिक स्टडीज़ में. आजकल मैं PhD करने की कोशिश कर रहा हूँ. तो ये मेरा एक तारुफ है तालीमी पस मंज़र और मेरा प्रोफेशनल. सर, ये स्ट्रगल कब, कैसे और कहाँ से शुरू हुई? बस इब्तदा से ही आप समझ लीजिए कि ऐसा माहौल मिला. यानी सबसे पहले तो मैं कहता हूँ कि ऐसे वालदैन मिले, माहौल में तो सबसे पहले घर का माहौल होता है. फिर ऐसे असाज़ा मिले, रवायती असाज़ा, तारीखी असाज़ा, इंस्पिरेशन वाले असाज़ा मिले, कि जिन्होंने हमारे अंदर कुछ चीज़ों का शौक़ पैदा कर दिया. फिर उसके बाद ऐसे दोस्त मिले, यानी जैसे जैसे हम कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आए, फिर ऐसे दोस्त मिले कि जिनसे मिलकर हमें ज़िंदगी का मकसद मालूम हुआ, कि ज़िंदगी किसी सिर्फ स्टेटस ऑफ लाइफ का नाम नहीं है, कुछ डिग्रियों का नाम नहीं है, कुछ ज़िंदगी की सहूलियात को हासिल करने का नाम नहीं, बल्कि एक बड़ा मकसद होना चाहिए. तो आप ये कह सकते हैं कि घर से चल कर असाज़ा और फिर जो दोस्तों की सोबत है, जो हमारे हम उम्र क्लास फेलोज़ हैं यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस के अंदर, कि जिन्होंने आज यहाँ तक ले आए कि आज अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है कि खिदमत खल्क का काम करना, लोगों की जिसे कहते हैं खुशियों में शरीक होना, उनकी खुशियों में इजाफा करना, और कुछ नहीं कर सकते तो उनके दुखों को कम करना, ये अब ज़िंदगी का मकसद है. और ये अल्लाह की तौफीक है. हम तो कहते हैं कि सारी चीज़ अल्लाह की तौफीक है, और उसके बाद ये सब लोग हैं कि जो अपने अपने हिस्से का पार्ट प्ले करते हैं. बिल्कुल ठीक. सर, मुझे ये बताइएगा, इतने सारी ऑर्गेनाइजेशंस को आप लीड कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज़ लीडरशिप अकॉर्डिंग टू यू? देखिए, लीडरशिप बुनियादी तौर पर तो लीडर क्रिएट लीडर, यानी लीडरशिप का मतलब ये होता है कि भाई आप दूसरे लोगों के अंदर भी वो चीज़ें, एट्रीब्यूट्स जो है पैदा करें, तलाश करें, और जो है कि आप उनके ऊपर एतमाद करें. तो लीडरशिप बुनियादी तौर पर तो लोगों को साथ लेकर चलने का नाम है. अगर आप लोगों को साथ लेकर नहीं चल सकते तो फिर आप लीडर नहीं हैं. तो बुनियादी चीज़ तो मेरा ख्याल है कि ये है. और यार फिर लीडरशिप एक बड़े मकसद के लिए होती है, एक बड़े मकसद के लिए होती है, जिसको हम जेन्युइन लीडरशिप कहते हैं या इंस्पिरेशन लीडरशिप कहते हैं, तो वो एक बड़े मकसद के लिए होती है. तो मेरा ख्याल है बुनियादी तौर पर तो ये फ़र्क होता है. और तीसरी चीज़ भी है, और वो साथ ये है कि लीडरशिप आ चेंज, कि ज़रा कोई लीडरशिप ऐसी नहीं हो सकती जो चेंज अब पैदा करे, वो चाहे छोटे से दायरे में, अपने हल्के में, अपने घर के अंदर, अपनी कम्युनिटी के अंदर जो है. तो ये तीन चीज़ें मैं समझता हूँ कि ये बुनियादी तौर पर मिलजुल कर लीडरशिप के कॉन्सेप्ट को बहुत हद तक वाजे कर देती हैं. सर, खिदमत फाउंडेशन की अगर बात की जाए तो कहा जाता है कि 4 कमरों से ऑर्गेनाइजेशन का आगाज़ हुआ, तो इस बात में कितनी सच्चाई है और किन किन मराहल से गुजर के तो अब ये एक नामवर ऑर्गेनाइजेशन? देखिए, एक चीनी कहावत है कि 1000 मील के सफ़र का आगाज़ एक कदम से होता है. आपने पहला कदम उठाना है, जभी तो आप लंबी लंबी मुसाफतें तय करेंगे. तो हर बड़ा काम अपनी असल और अपने आगाज़ के अंदर बहुत ही हम्बल होता है, और अल्लाह ताला को आजिज़ी पसंद है. हम ये कहते हैं कि हम बिल्कुल बड़े नहीं हैं, ये जो है सच्ची बात है, लोगों की मोहब्बत है या इस काम की अजमत है कि जिसने जो है कि हमें इतना बड़ा बना दिया. अलखिदमत का आगाज़ बिल्कुल छोटे से काम उससे हुआ था, किराए की हमने एक बिल्डिंग ली थी. अच्छा, इनफरादी तौर पर मुख्तलिफ जगहों पर अलखिदमत से वाबस्ता जो वॉलंटियर्स थे, उन्होंने जो है कि कोई ना कोई काम कर रहे थे. लेकिन ज़ाहिर बात है, हम पाकिस्तान या जिस खत्ते में हम मौजूद हैं, हमें अंदाज़ा है कि यहाँ गवर्नमेंट की डिलीवरी या जो गवर्नेंस है वो बहुत महदूद है. और हर गुजरते वक्त के साथ देखिए ना, तालीम को देख लें या सेहत को देख लें,
इन दो बुनियादी चीज़ें ना, हम ये देखते हैं कि हकूमत जो है उसके पास जो है कि कैपेसिटी नहीं है कि वो अपनी आबादी, दुनिया की छठी सबसे बड़ी आबादी है, और आपको मालूम है कि पाकिस्तान दुनिया का शायद वो पहला या दूसरा ही मुल्क रह गया, सिर्फ दो मुल्क रह गए हैं कि जहाँ अभी तक पोलियो पर काबू नहीं पा सका, यानी पूरी दुनिया ने काबू पा लिया, हम पोलियो पर काबू नहीं पा सके। मैं तालीम की क्या बात करूँ कि पाकिस्तान में तकरीबन 2.5 करोड़ बच्चे, यानी 25 करोड़ की आबादी में 2.5 करोड़ बच्चे इस वक्त स्कूल नहीं जा रहे हैं, और उनकी उम्रें क्या हैं, 5 साल से लेकर 16 साल तक। अच्छा, ये चैलेंज है। अच्छा, अब ये चैलेंज हो तो क्या ख्याल है कि हम इंतज़ार करें उस वक्त का कि जब गवर्नमेंट इस काबिल हो जाए? नहीं, फिर जो इस खित्ते से मोहब्बत करते हैं, धरती से मोहब्बत करते हैं, हत्ता कि अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अपने हिस्से का किरदार अदा करें, दैन अलखिदमत कम्स फारवर्ड, वो आगे आती है और वो समझती है कि हम जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं दुखों को कम करने में या आसानियाँ फराहम करने में, हम अपने हिस्से का किरदार अदा कर सकते हैं। अच्छा, अभी रिसेंटली हालिया जो सैलाब आया उसमें एक वीडियो वायरल हुई, अलखिदमत के वॉलंटियर्स चारपाई के थ्रू रेस्क्यू कर रहे थे, वो क्या सिनेरियो था और इसकी कोई स्पेशल ट्रेनिंग होती है आपके वॉलंटियर्स? जी देखिए, ये तो अब उसके बाद की बात है कि अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने वॉलंटियर्स को जो है बाकायदा प्रोफेशनली अच्छे रिप्यूटेबल इदारों से हमने उनको जो है ना कि स्किल्ड बनाने का प्रोग्राम शुरू कर दिया। लेकिन जाहिर बात है जब कोई आफत आती है तो पूछ कर तो नहीं आती और ना मालूम कहाँ आती है। अब जाहिर बात है ये जो वाकया जिसकी तरफ आपने इशारा किया है ये खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुआ है कि जब बिल्कुल जो है कि पुल टूट चुके थे और दरिया के दोनों तरफ जो है कि लोग फंसे हुए थे, एक तरफ आबादी थी और दूसरी तरफ उनके समझे कि उनकी मार्केटें थी, तो हमने जो है कि वो जो मैयत उठाने वाला जो वो होती चारपाई होती है, हमने उसको जो है कि हमने रेस्क्यू का जो है कि इक्विपमेंट बनाया और जो रस्सियाँ मौजूद थी घरों के अंदर जो भी है वो ला कर हमने फिर लोगों को रेस्क्यू करके जो फंस गए थे, जिनके घर दूसरी तरफ थे लेकिन वो अपने कामों के लिए गए थे और पुल टूट चुके थे। तो ये एक छोटी सी कहानी है, अल्हम्दुलिल्लाह उस कहानी ने अलखिदमत को बहुत पहचान दी पूरी दुनिया के अंदर, और आपको मालूम है कि इंटरनेशनल चैनल्स के ऊपर जो है कि वो वीडियो चली। लेकिन आप ये जानकर खुश होंगी कि यही अलखिदमत के वॉलंटियर्स हैं कि जब तुर्की और शाम में जलजला आया तो तुर्की ने पाकिस्तान के इदारों यानी पाकिस्तान आर्मी और 112 के अलावा किसी तीसरे इदारे को अगर दावत दिए तो वो अलखिदमत थी, और यहाँ से हमारे रज़ाकार 24 घंटे के नोटिस के ऊपर तुर्की गए और 10 दिन उन्होंने दुनिया के 100 ट्रेंड जो है ना रेस्क्यू वर्कर के साथ मिलकर काम किया, और आज हम यहाँ बैठे हैं इस वक्त लाहौर में, तो आपको जानकर और खुशी होगी कि इस वक्त जो है कि यहाँ 112 के हेडक्वार्टर के अंदर इस वक्त जो है कि 4 रोज़ा मुकाबले हो रहे हैं कि जिसके अंदर जो है कि हाई राइज बिल्डिंग से लोगों को रेस्क्यू करने के हवाले से, अच्छा जो है कि फायर फाइटिंग, अच्छा कुओं के अंदर कोई गिर जाता है तो उनको बचाने के लिए, और इस तरह के मुकाबले, तो हमारे 18 ट्रेंड रज़ाकार जो है कि इस वक्त जो है कि वो यहाँ आए हुए हैं और वो इस वक्त उस कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में तमाम बड़े सेंटर पर, हर जगह मुमकिन नहीं है, बड़े सेंटर पर हम स्किल्ड, देखिए आपको अगर आपने एक वीडियो भी बहुत वायरल हुई और सच्ची बात है उसको याद करके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि जिसमें 4 नौजवान एक पत्थर के ऊपर थे और वो इंतज़ार करते रहे, कोई बचाने नहीं आया और बिलाखिर पानी की सरकश मौजें उनको बहा के ले गई हैं। अच्छा, इसका मतलब है कि कोई ना रस्सी थी ना जो है कि उसको जो है ना कि कोई स्किल मौजूद था कि उनको बचाया जा सकता, ना हमारे इमदादी इदारे पहुँच सके। उसकी बुनियाद पर हमने ये तय किया कि पाकिस्तान में 35 मुकामात पर हम डिज़ास्टर रिस्पॉन्स सेंटर बना रहे हैं कि जहाँ बाकायदा इक्विपमेंट मौजूद हो, आग बुझाने के आलात, रोप्स, अच्छा इसी तरीके से जो है कि कैंप्स, एमरजेंसी कैंप्स, और ये पानी के अंदर उतरने के लिए जो चीज़ें हो जाती हैं, हत्ता कि सांप को पकड़ने के आलात तक मौजूद है। तो ये सारी चीज़ें जो है कि जनरेटर उसमें शामिल हैं, उसके अंदर जो है कि एमरजेंसी लाइट शामिल हैं, उसके अंदर हैमर्स शामिल हैं, अच्छा ब्लेड शामिल है जिससे आपने पत्थरों को काटना है। तो ये 35 मुकामत पर ग्रेजुअली हम ये रेस्क्यू रिस्पॉन्स सेंटर बना रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम चाहेंगे कि वॉलंटियर्स की एक टीम हो जो इन 35 रेस्क्यू सेंटर पर मौजूद हो और खुदा न खास्ता कहीं कोई आफत आती तो हम अपने हिस्से का किरदार अदा कर सकें। बिल्कुल ठीक सर, ये जो आपने रेस्क्यू सेंटर का जिक्र किया है ये स्पेसिफिक एरियाज़ कौन कौन से हैं? ये आप समझ लीजिएगा चित्राल से लेकर कराची तक, और दरमियान में जो यानी हमने इस तरह किया कि ताकि एम्बुलेंस वहाँ मौजूद होगी, इस तरह हमने एक रैपिड रिस्पांस व्हीकल, यानी आप हैरान होंगी कि वो रैपिड रिस्पांस व्हीकल के अंदर तकरीबन कोई 200 के करीब आइटम्स मौजूद हैं उसके अंदर, यानी जिसमें स्ट्रेचर से लेकर
और उसके अंदर जो कि इब्तदाई तिब्बी इमदाद तक शामिल है, ये गाड़ियाँ भी आहिस्ता आहिस्ता इन सेंटर पर फार्म करें कि ताकि कम अज़ कम आप ये कह सकते हैं कि 50 से 100 किलोमीटर के अंदर वो मूव कर सकें। तो यूँ ये हमने पूरे मुल्क में फैला कर बनाएंगे कि ताकि किसी भी जगह तक पहुँच सकें। बिल्कुल ठीक सर, मुझे ये बताएगा इस प्रोजेक्ट को लाइक अगर इसको स्टार्ट होने में कितना टाइम लगेगा? नहीं, सब शुरू हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त जो है इब्तदाई जो है 10 पर हमने काम शुरू कर दिया है। हमने व्हीकल बना ली है, पहली मॉडल व्हीकल बना गई है, उसको डिस्प्ले किया है हमने 1122 और NDMA के साथ भी हमने जो है कि कोलेब्रेशन की है। इस्लामाबाद में एक्सपो थी पाकियाना सेंटर में, हमने वहाँ उसको डिस्प्ले किया है। अब इस वक्त जो है कि हम मोटरसाइकिल भी तैयार करवा रहे हैं कि जो सिर्फ पहाड़ी इलाकों में, यानी हैवी एमरजेंसी मोटर बाइक्स के, जो इसलिए कि जब लैंडस्लाइड होती है तो गाड़ी तो नहीं चल सकती, फिर क्या करेंगे आप, मोटरसाइकिल। हमने वो किया कि ताकि हमारा जो रेस्क्यू वर्कर जो है कि वहाँ पहुँच जाए। तो ये इंशाल्लाह 10 पर काम शुरू हो गया और ग्रेजुअली हम इंशाल्लाह अगले 1 से 2 साल के अंदर अगर हम चाहेंगे कि 35 हमारे सेंटर जो है कामयाबी से जो है अब ऑपरेशंस का आगाज़ कर दें। बिल्कुल ठीक सर, मुझे ये बताइएगा आपने काफ़ी हार्ड ट्रेनिंग की बात की है, तो इसमें फीमेल की भी उतनी ही रेशो है जितनी मेल वॉलंटियर्स की है? फीमेल को हम इंगेज कर रहे हैं, उनको एड्रेस कर रहे हैं। जाहिर बात है कि अगर कुछ काम ऐसे हैं कि जो मर्द नहीं कर सकते तो ख़वातीन ही कर सकती हैं। और आपको जानकर खुशी होगी कि एज अ न्यू इनिशिएटिव हमने ये काम किया कि जब से हम सब ये पता, हम सबको मालूम है कि पाकिस्तान में नौजवानों की तादाद 60% से ज़्यादा है, और आपको ये भी मालूम होगा यकीनन कि 2030 तक जो है 30 साल से कम उम्र नौजवान दुनिया में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर होंगे। हमने ये तय किया है कि पाकिस्तान में इन नौजवानों की बड़ी तादाद को हम इंगेज करें, एड्रेस करें, इनको अपना वॉलंटियर बनाएं। अच्छा, वॉलंटियर बनाकर फिर इनको एक नहीं, हमारा ख्याल है कि डजन्स, यानी दर्जनों ऐसी स्किल्स हैं कि जो ये काम कर सकती हैं। मिसाल के तौर पर यानी इस वक्त मैं आपको बताऊं कि सैलाब के अंदर ये हमारी बेटियां हैं जो तालिबात, उन्होंने बड़ा बुनियादी काम किया, दो काम किए। एक तो ये है कि उन्होंने पैकिंग की है कि चाहे वो ख़वातीन के लिए एमरजेंसी किट हो और चाहे वो फूड पैकेज हो, बड़ी तादाद में जो है कि लाहौर की और बाकी शहरों, पेशावर में, बाकी पर यूनिवर्सिटीज़ की तलबा और तालबात वो आते हैं हमारे सेंटर्स पर और वो फिर बाकायदा उनके करते हैं। हती कि ये तक भी हुआ कि रमज़ान में जब बता रहे कि इसी सैलाब के दौरान रमज़ान भी आ गया था, तो हमने फिर बाकायदा इनके ग्रुप्स बनाकर पूरे जो है कि शहर के अंदर इनको जगह जगह भेजा था कि जहाँ जो है कि ये सर्व करते थे। इसी तरह हमने कहा जी आप घर बैठ कर हमारा हिस्सा बन सकती हैं, अलखदमत की कम्पेन। हमारी बड़ी तादाद में तालबात और गर्ल्स जो है वो डिजिटल वॉलंटियर्स हैं, यानी उनके पास जो है कि आपको पता कि कीबोर्ड की वो स्पेशलिस्ट है और शायद बॉयज़ और लड़के ये काम नहीं कर सकते, तो डिज़ाइनिंग हमारी वो कर रही है। हमारी ट्रेंड्स जो हैं, चाहे वो फंड रेजिंग के हों, चाहे वो ट्यूटर्स के ट्रेंड हो, ये वो काम कर रही हैं। इसी तरीके से फंड रेजिंग का अच्छा एक और बड़ा काम किया हमने, मेगा प्लांटेशन। हमने कहा जी कि हम इंशाल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान में 1 करोड़ दरख्त लगाएंगे। इस वक्त जो क्लाइमेट चेंज इशू है ना, नंबर वन इशू है पाकिस्तान, यानी इस वक्त पूरी दुनिया का आपको पता है, इस पर तो अक़वामे मुत्तहिदा तक इस पर कंसर्न है। तो हमने ये तय किया और फिर हमने PHA पार्क एंड हॉर्टिकल्चर एसोसिएशन से हमने कोलेब्रेशन की है, हमने पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों से MOU कर रहे हैं और हम हर लड़के और लड़की को, हर स्टूडेंट को हम तैयार कर रहे हैं कि वो मेगा प्लांटेशन के अंदर जो है कि अपने आप को वॉलंटियर बनाए। अगला काम हमने ये किया है कि हमने एक ऐप बना दी है, आप समेत कोई भी जो है उस ऐप पर जाएं, उस ऐप पर अपने आप को लॉगिन करें, अपने आप को रजिस्टर करें, उसके बाद आप बताएं कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है। आप ये 5 हैं, ये 10 हैं, ये 15 जो है कि अगर हमारे पास स्किल्स हैं या हमारे पास ऑप्शंस हैं तो आप उनमें से कौन से 3-4 को ऑप्ट करेंगे, हम आपसे और आप हमसे रबते में रहेंगे और किसी वक्त भी जो है कि हम आपको कॉल करेंगे, आप जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ हम आपको काम दे सकेंगे। तो ये हमारा न्यू इनिशिएटिव जो है कि वॉलंटियर्स मैनेजमेंट का है। बिल्कुल ठीक सर, मुझे ये बताएगा खिदमत फाउंडेशन के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जिन पे अभी काम हो रहा है वो कौन कौन से? देखिए, एक तो मैंने कहा कि आपको जिस तरह अभी आपके पिछले सवाल के जवाब में कि वॉलंटियर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट हमने फुल फ्लेज बना दिया है और हम इस वक्त 1,10,00,000 बॉयज़ एंड गर्ल्स, मेल फीमेल, हम इनको जो है वॉलंटियर बनाना चाह रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, लाहौर नहीं, कराची। इसका कोई क्राइटेरिया सर? जी, कोई क्राइटेरिया नहीं है, यूथ हो, नौजवान हो, डेडिकेटेड हो, वॉलंटियरिज्म अपने आप का टाइम देने के, अच्छा इसमें टाइम वॉलंटियर होंगे, इसमें स्किल वॉलंटियर होंगे, इसमें फ़ंड वॉलंटियर्स होंगे, यानी इसमें हर तरह की गुंजाइश मौजूद है। यानी हम क्या समझते हैं कि देखिए पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है नौजवान, लेकिन बदकिस्मती आपको ये मालूम है कि दुनिया के 186 मुल्कों में पाकिस्तान नौजवानों की तालीम और तफरी पर खर्च करने वाले ममालिक में बॉटम में आता है। यानी एक तरफ इतनी बड़ी तादाद नौजवानों की और दूसरी तरफ जो है कि नौजवानों के लिए कोई प्रोग्राम नहीं है।
तो हमने ये काम किया, एक हम काम ये कर रहे हैं। दूसरा काम हम ये कर रहे हैं और वो है मवाखात। मवाखात का मतलब है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना पहुँचे थे तो उन्होंने क्या किया था कि एक मक्के का रिहायशी और एक मदीने का रिहायशी, आपने उन दोनों के दरमियान भाईचारे का रिश्ता बनाया था। हमने क्या कि एक तरफ अलखिदमत होगी, अलखिदमत के पास वसाइल होंगे, अलखिदमत के पास डोनर होंगे, और दूसरी तरफ वो लोग होंगे जो कुछ करना चाहते हैं काम, और हम उनको जो है कि कर्ज़ दे देंगे। अभी तो हमने 1.5 लाख तक का कर्ज़ हम दे रहे हैं, और हम कर्ज़ा नहीं दे रहे, हम चाहते हैं कि कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करें, इसलिए कि बसावकत कर्ज़ा तो कैश होता है, वो ठीक है वापस आपको मिल जाएगा, लेकिन हम ये कर रहे हैं कि गैर सूदी, वो तो तयशुदा सी बात है। अगली बात यह कि हम ये चाहते हैं कि हम इन जो बासलाहित हैं लोग उनको जो है ना हम ऐसा काम दें, फ़र्ज़ किया कोई खातून है बेवा है घर में मौजूद है, हम उसको सिलाई मशीन दे दें और वहीं जो है कि वो अपना, हम उसके करीब कोई दस्तकारी सेंटर खोल दें और वो आकर पहले सबसे पहले सीखें, और जब वो 6 महीने का कोर्स मुकम्मल करें हम उसको बाकायदा सीविंग मशीन दे दें कि ताकि वो घर रहकर इज्जत के साथ जो है अपने बच्चों का पेट भी पाल सके और साथ साथ एक इज्जत के साथ अपनी रोटी रोजी भी कमा सके। यानी ये मैंने एक आपको एक मिसाल दी है। तो एक हमारा ये मवाखत, और हम इसको चाहते हैं एक पूरे इस्लामी बैंक की शक्ल अख्तियार करें, ये वो दूसरा काम है। तो गोया ये दो बड़े हमारे इनिशिएटिव्स हैं कि जिसको जो करें। तीसरा ये है कि हम ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया में बड़ी तादाद में पाकिस्तानी हैं, इस वक्त जो है तकरीबन 90 लाख के करीब पाकिस्तानी जो पूरी दुनिया के अंदर हैं। अच्छा, ये पाकिस्तान से दूर है लेकिन पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, परेशान है पाकिस्तान के हवाले से कि यहाँ का मामला क्यों ख़राब है। हम उनको चाहते हैं कि इन सारे मंसूबों के पुश्त के ऊपर ले आएँ, और ये हमारा एक बड़ा प्रोजेक्ट है कि जिसको हम जो है एड्रेस करेंगे और उनको जो है इन कामों में अपने साथ शामिल करेंगे। बिल्कुल ठीक सर, इतने ज़्यादा इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं, लाइक इनका एक बजट स्पेसिफिक होता होगा। अगर फाइनेंस की बात की जाए तो अप्रॉक्सीमेटली कोई एस्टीमेट आप बताएं कितना बजट होता है एक प्रोजेक्ट के लिए। एक प्रोजेक्ट के लिए देखिए, मैं तो आपको ये कह सकता हूँ कि हमारे 7 एरियाज हैं, यानी हम इस वक्त तालीम, सेहत, डिज़ास्टर, ऑर्फन यानी ये 3 बच्चे और बच्चियाँ, इस तरह पानी, इसी तरीके से हमारा जो है कि मवाखात, और ये हमारा और कम्युनिटी डेवलपमेंट, ये 7 एरियाज़ हैं। इस वक्त हमारा जो है कि इस साल का बजट जो है कि 20 अरब रुपए का है अल्हम्दुलिल्लाह, यानी एक बड़ी तादाद है। तो इसमें देखिए, एक तो है लोग देने वाले, अल्लाह का शुक्र है। देखिए आप अगर देखिए, अल्लाह ताला का ये मामला बड़ा अजीब है, अल्लाह ताला कहता है कि तुम मेरा काम करो, तुम्हारे काम मैं खुद कर दूँगा। यानी आप डेडिकेशन के साथ और जज्बे के साथ काम करें तो आपको वहाँ से लोग तआवुन करते हैं कि आप तवक्को ही नहीं कर सकते, एक बात तो ये। दूसरा मामला ये है कि हमने अपने मंसूबों को पहले दिन से ऐसा बनाया है कि वो बतदरीज सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाए, खुद कफालत, कि आप कोई काम कर रहे हैं तो कोई उसकी जो है ना कि खुद कफालत, कि नहीं वो अपने पैरों पर खड़े हो जाए। तो हम जो भी काम कर रहे हैं उसको कोशिश करते हैं कि 2 साल 3 साल 5 साल, मिसाल तौर पर हमने एक हॉस्पिटल बनाया, हम कोशिश करते हैं कि हॉस्पिटल के अंदर ऐसा स्ट्रेटजी बनाएँ कि अस्पताल 3 साल से 5 साल के अंदर अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। इसी तरीके से हम अपनी जो है कि एडमिन कास्ट है उसको बतदरीज कम करने की कोशिश कर रहे हैं, अगरचे अभी भी हमारी इस वक्त जो है कि लगभग 10% है, यानी गोया कि अगर आप 100 रुपये देती हैं तो हम 90 रुपये जो है कि हम प्रोजेक्ट पे खर्च करते हैं, 10 रुपये एडमिन कास्ट है, लेकिन हमारा ख्याल है आने वाले दिनों में उसको भी कम कर लें। तो गोया ये जो आपने बजट की बात की है, एक तो अल्हम्दुलिल्लाह बजट हर साल बढ़ रहा है, दूसरी बात यह है कि सस्टेनेबिलिटी की कोशिश कर रहे हैं, और तीसरी बात यह है कि हम जो है कोशिश ये करते हैं कि लोगों को जो है इन प्रोजेक्ट्स के साथ जोड़ें, यानी वो ये लोगों की ओनरशिप के अंदर आ जाए। देखें, जब एक चीज़ आपकी ओनरशिप में आती है तो फिर आप कहते हैं ये अलखिदमत का प्रोजेक्ट नहीं है, ये वकास का प्रोजेक्ट है, ये आपका प्रोजेक्ट है, ये आपके किसी जो है कि बिज़नेस का प्रोजेक्ट है। यानी इस वक्त सूरत हाल ये भी है कि कई बिज़नेस ऐसे हैं कि जिन्होंने प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया हुआ है। तो ये है। बिल्कुल ठीक सर, आपने एक प्रोजेक्ट था अलखिदमत फाउंडेशन का, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन का, IDPs का, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहे और वो क्या प्रोजेक्ट? देखिए वो तो अब खासा अरसा हो गया, अगर ये उस वक्त की बात है कि जब हमारे ये कबायली इलाके जो थे, कबायली इलाकों के अंदर जो ऑपरेशन था या जो सरहद के दोनों तरफ से जो बदमनी की कैफियत थी, तो बड़ी तादाद के अंदर जो है कि वो अमन अमान की सूरत ख़राब होने की वजह से वज़ीरिस्तान, बाजोड़, बहमद, खैबर, ये जो हमारी एजेंसी हैं अब तो बाकायदा ये ज़िले बन गए हैं, इनसे लोगों को निकलना पड़ा, और लोग जो है कि फिर कोई पेशावर, इस्लामाबाद और हत्ता के लोग कराची तक भी आ गए। तो हमने फिर जो है कि उन लोगों के लिए जहाँ मुमकिन था, जहाँ जहाँ उनके उनके आर्जी सेटलमेंट थे, हमने वहाँ उनकी मदद की, और उसके बाद जो है कि जो मुमकिन हो सकता था हमें उस फ़र्ज़ किया, अगर कोई आर्फन्स हो गए तो हमने उनके आर्फन्स के लिए जो है कि बंदोबस्त कर लिया, अगर उनके स्कूल तैयार नहीं थे हमने टेंट विलेजेस के अंदर हमने स्कूल्स कायम कर दिए, इस तरह जो है कि कुक फूड तैयार शुदा या हार्ट मील
हमने उनको फराहम किया, तो ये किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो 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 जैसे कहते फेज़ ओवर हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह लोग वापस अपने इलाकों के अंदर चले गए। लेकिन जाहिर बात है अफरत की जब सैलाब आता है या जिस तरह आया है, तो सैलाब में लोग उन्होंने अपने इलाके छोड़ दिए ना, वहाँ तो पानी था और वो तीन तीन महीने तक पानी ख़त्म नहीं हुआ। पानी जो है कि ज़ाहिर उसको उसको पानी ज़मीन में जज़्ब होने में वक्त लगता है ना, तो फिर क्या हुआ, हमने पूरे यानी जनूबी पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जहाँ जहाँ आए थे, तो वहाँ हमने यही टेंट विलेजेस बनाए, और फिर टेंट विलेज के अंदर वहाँ हमारे मोबाइल हेल्थ सेंटर, वहाँ टेंट स्कूल्स, वहाँ जो है कि हॉट मील या कुक्ड फूड और इस तरह की चीज़ें, और बच्चों की स्क्रीनिंग हेल्थ वगैरह के हवाले से। तो गोया जब इस तरह का होता है तो फिर एक नहीं है, हम हमारी पांच छह चीज़ें जो है ना वो सारी की सारी उधर उस मौके पर काम कर रही होती हैं। तो ये हम तकरीबन हर डिज़ास्टर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अलखिदमत को ये जो इज़्ज़त और जो नेक नामी मिली है उसमें बड़ा हिस्सा डिज़ास्टर का है। और इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये कि आपके पास वॉलंटियर्स की बड़ी तादाद है। क्या आपको यकीन आएगा कि सैलाब के अंदर जो आखिरी सैलाब था जो जून 2022 में आया था, तो हमारे 62,000 रज़ाकार थे जिन्होंने काम किया इन कैंपों में सैलाब से मुतासर इलाकों के अंदर, बाकायदा डेटा हमारे पास मौजूद है। अच्छा, इसी से हमें ये उम्मीद हुई है कि पाकिस्तान में यानी जो लोगों के अंदर वक्त देने का गैर मामूली रुझान है, और अपने भाई बहनों को जब वो मुसीबत में देखते हैं तो हर कोई निकल आता है, तो हम इसी बुनियाद पर हम ये चाहते हैं कि हम इनको स्किल्ड बनाएँ, हम इनकी सलाहितों में इजाफा भी कराएँ, और हम इसको बहुत साइंटिफिक और सिस्टमेटिक अंदाज के अंदर इसको जो है कि मुनज़्ज़म करें। बिल्कुल ठीक सर, आपने जिक्र किया अलखिदमत फाउंडेशन के 7 एरियाज़ का, मज़ीद आपको क्या लगता है और किन किन एरियाज़ पे अलखिदमत को काम करना चाहिए? देखिए, अब तो आप यूँ समझिए कि ये 7 अलखिदमत फाउंडेशन हैं, ये एक नहीं है। मतलब मैं आपको बताऊँ कि इस वक्त हम 27,000 यतीम बच्चों की किफालत कर रहे हैं। इन 27,000 में से तकरीबन कोई 2,500 से 3,000 बच्चे वो हैं कि जिनको हम ले आए हैं स्टेट ऑफ द आर्ट, बहुत ही शानदार और आरामदेह उनके हाउसेज में, होम्स जिसको हम कहते हैं आगोश होम्स के अंदर। लेकिन 25,000 के करीब इस वक्त जो है कि वो यतीम बच्चे जो अपनी माओं के साथ हैं, तो गोया आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि इस वक्त जो है कि तकरीबन जो है कि 27,000 से 30,000 यतीम बच्चे पूरे पाकिस्तान में जो है हम जो है कि इनको जो है कि अच्छा ये पूरी हमारी टीम है, हमारे एक वाइस प्रेसिडेंट जिनका नाम फारूक रिटायर्ड एयर मार्शल फारूक हबीब साहब हैं, वो इसके हेड हैं। अच्छा, अगली बात जो आप पूछ रही हैं कि क्या और क्या करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर कम्युनिटी डेवलपमेंट है। अब नाम तो एक ही है ना, अगर मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि कम्युनिटी डेवलपमेंट में हम क्या कर रहे हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट के अंदर हम ये फूड पैकेज, मतलब रमज़ान आता है, बड़ी तादाद के अंदर जो है कि लोगों को फूड पैकेज देते हैं। अच्छा, विंटर पैकेजेस, अब सर्दियों का मौसम आ रहा है, इस वक्त जो कि शदीद जहाँ बर्फबारी होती है वहाँ फिर जो है रज़ाइयाँ, कंबल, गर्म चादरें और कपड़े जो पहुंचाते हैं, ये हमारा काम है। अच्छा, जेलों के अंदर काम, यानी कैदियों के लिए मसलन चाहे वो उनके लिए हेल्थ स्क्रीनिंग, अच्छा उनके लिए कंप्यूटर्स लैब जहाँ जहाँ मुमकिन है। अभी जो है कि हमने कसूर जेल के अंदर बाकायदा, यानी आप क्या के हैरान होंगे, हाई टेंशन वायर्स, यानी उनकी बिजली का मसला था, अलखिदमत ने जो है कसूर के अंदर जो है कि उनके इलेक्ट्रिसिटी का मसला हल किया। अच्छा, व्हील चेयर, हमने ये कहा है कि पूरे पाकिस्तान में किसी को भी व्हील चेयर चाहिए, आप सिर्फ हमें कॉल कीजिए, मैं आपसे कहता हूँ कि आप अपने चैनल्स के ऊपर ये आप ऐड चला दीजिए कि किसी को भी चाहिए वो आपके चैनल से रब्ता करे, अलखिदमत जो है कि वो इंशाल्लाह उनके डोर स्टेप पर वो व्हील चेयर पहुँचाएगी। अच्छा, ट्रांसजेंडर, इंटरसेक्स, कि जो भाई वो जो हमारी वल्नरेबल कम्युनिटी मौजूद है, हम उनके लिए जो है कि हम ये चाह रहे हैं कि उनको जहाँ वो, अब देखिए ना वो मिलकर रहते हैं 15-15, 20-20 लोग ख्वाजा सरा, हम चाहते हैं कि उनको वहाँ को सिलाई मशीनें पहुँचा दें। अभी हमने इसमें रमज़ान के अंदर हमने उनको फूड पैकेज उनके घर पहुँचाया, हम उनके लिए कहते हैं कि कोई तालीमी इदारों की कोई सूरत बन सकती है। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा दायरा कार है। अच्छा, मस्जिदों की तामीर मुरम्मत, दायरे हमारे यहाँ एक ख़ास लोगों का ज़ौक़ है कि भाई अल्लाह ताला का घर है उसको बनाना, अब हम इसके लिए काम कर रहे होते हैं। तो गया मैंने कहा कि कहने को ये 7 एरियाज़ हैं लेकिन ये 7 अलखिदमत हैं, और फिर मैंने कहा जो काम कहीं और नहीं हो सकता उसको हम कम्युनिटी डेवलपमेंट में डाल देते हैं, तो वो ख़ुद एक बहुत बड़ा काम है। इस वक्त हमारे पास 45 हॉस्पिटल्स और 65 मेडिकल सेंटर्स हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर फुल फ्लैज, यानी इसमें 200-200 बिस्तरों के अस्पताल भी शामिल है। तो ये एक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा फजल है कि जो है लोगों के बेलौस तआवुन के साथ हमारे वॉलंटियर्स, हमारी जो टीम है, स्टाफ मेंबर्स हैं, उनके मेहनत के नतीजे के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, सेटअप है कि जो सब चल रहा है। बिल्कुल ठीक सर, जैसे आजकल लोगों को लगता है कि खिदमत खल्क करना, इट्स नॉट लाइक अगर वो लाइक किसी और की मदद करेंगे तो वो इससे बेहतर है वो खुद का अपना स्टेटस जो है वो उसको मेंटेन कर लें, ठीक है? तो आपके अकॉर्डिंग सक्सेस क्या है?
देखिए ज़िंदगी तो क्या ना, अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहाँ में, है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। देखिए जो दीन आपको ये कहता है कि भाई आपके चेहरे पर आपके भाई आपके बहन के लिए मुस्कुराहट भी सदका है, यानी आप कुछ नहीं दे सकते, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ मनी कि भाई आपकी जेब में पैसा है तो आप पैसे दे रहे हैं। वो कहते हैं कि आप अगर अपने भाई को एक अच्छा जेस्चर देते हैं तो ये भी सदका है। तो मेरा ख्याल है कि भाई ये यानी यही तो ज़िंदगी है। देखिए ज़िंदगी किस चीज़ का नाम है? अच्छा, जिसको आज आप बड़ा नाम कहते हैं, बड़े नाम कौन है? यानी आप ईदी साहब का नाम ले लें, आप जो है कि नेमतुल्ला खान साहब का नाम ले लें, आप मैडम रुतफाओ का नाम ले लीजिए, आप मदर टेरेसा का नाम ले लीजिए, आप अमजद साकिब का नाम लें, आप अब्दुल शकूर साहब का नाम ले लें, आप जो है डॉक्टर फिज़ुर रहमान साहब जो हमारे अलखिदमत के हैं, यानी ये वो लोग हैं कि ज़ाहिर बात है जिन्होंने अपनी लाइफ लगाई है। तो मेरा ये ख्याल है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये मज़हब का भी पैगाम है, ये जो है कि दुनिया का भी ये सबक है, दुनिया उसको इज़्ज़त देती है। देखिए आज जो है कि दुनिया किन को इज़्ज़त दे रही है? बादशाहों को। अरे बादशाह तो यानी आते चले जाते हैं, लेकिन दुनिया के जिन्होंने अपनी ज़िंदगी इंसानों के लिए गुजारी है लोग उनको मरने नहीं देते। मुझे बताइए कि गंगाराम को भूल सकता है? कोई नहीं भूल सकता। जो लाहौर में रहने वाला है वो गंगाराम को नहीं भूल सकता। ठीक है वो हिंदू था, लेकिन उसने जो खिदमत की है यहाँ के लोगों की, हॉस्पिटल यहाँ है, यहाँ के उसने जो है कि ऐसी इमारतें शानदार बनाई हैं कि लोग आज उसको भी याद करते हैं। यू नेम इट यू काउंट इट, आपको ऐसे लोग हर बस्ती में हर कस्बे में हर शहर में मिल जाएंगे कि जिन्होंने जो है कि इंसानों के लिए काम किया, लोगों के लिए काम किया और माशरे ने फिर उनको फरामोश नहीं किया। बिल्कुल ठीक सर। एक मैसेज, जो यूथ पाकिस्तान से मायूस होकर, पाकिस्तान के हालात से मायूस होकर बाहर की तरफ जा रही है, अब्रॉड मूव कर रही है, उनके लिए एक मैसेज। पहली बात तो ये है कि देखिए सब लोग जा भी नहीं सकते, यानी ये एक बहुत ही महदूद सी अकलियत है कि जो जा सकती है इन हालात के अंदर। हम ये कहते हैं, वो जो किसी ने कहा है ना कि वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, जिस हाल में जीना मुश्किल है उस हाल में जीना लाजिम है। देखिए कौमों की आजमाइश तो यही होती है। आपका क्या ख्याल है कि भाई यूक्रेन पे आजमाइश नहीं आई हुई यूरोपियन मुल्क है? आपका क्या ख्याल है कि हमारे गल्फ़ के अंदर यमन और लीबिया और उस पर आजमाइश कितने लोग जो चले गए, लोग सर्वाइव कर रहे हैं? यानी हालात तो यही है। और अगर हमारा ईमान मजबूत है, हमारा यकीन मजबूत है, जो कहता है कि ज़िंदगी वो नहीं है जो आप गुजार रहे हैं बल्कि ज़िंदगी इसके बाद है, और वल आखिरत तो खैर वबका, वो जो इसके बाद की ज़िंदगी है वो बेहतर भी है और वो बाकी रहने वाली भी है। अगर ये यकीन आप दिलों में पैदा कर दें कि भाई नहीं, मैं आज अगर किसी मुश्किल के अंदर रहूं तो मेरे अच्छे रवैये के नतीजे में मेरा आने वाला कल बेहतर होगा इस दुनिया के अंदर भी। और जो है कि देखिए आजकल एक लफ्ज़ कहा जाता है इमोशनल इंटेलिजेंस, लोगों के पास सब कुछ है लेकिन लोगों के पास जो है कि वो ज़िंदगी का मकसद नहीं है। यानी आप अमीर घरानों में चले जाइए तो आपको पैसे की कमी नहीं है। मुझे ये बताइए कि ये दो चार वाक्य जो टीवी के ऊपर आते हैं कि जिसमें बकायदा बड़े घरानों के, ये जो नूर मुकदम केस है, ये जो अपना अयाज़ अमीर साहब के बेटे का केस है, ये क्या है? ये कोई गरीबों का केस है? लेकिन इसका मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस कोई नहीं है कि आपने लोगों को ज़िंदगी में मकसद दिया। आपका तालीम इदारा नहीं दे रहा, आपका अगर ख़ानदानी निज़ाम नहीं दे रहा, आपकी मस्जिद नहीं दे रही, तो फिर इसका मतलब ये है कि नहीं, हम लोगों को ये बताएं कि नहीं, हमारा जीना मरना यही है। ये दुनिया की इतनी बड़ी, अच्छा किस चीज़ की कमी है? ये तो अलमिया है कि हमारी रियासत और हुकूमत जो है उनकी नाकामी है कि जिसकी वजह से वो इस पोटेंशियल को जो है बुरुएकार नहीं लेकर आ रही। वरना इस मुल्क को एक टके की ज़रूरत नहीं है बाहर से कोई चीज़ लेने की, यानी इसकी ज़मीनें सोना उगलती हैं। यानी अगर एक तरफ पाकिस्तान में के पहाड़ों के ऊपर जो है बर्फ़ है 12 महीने, तो दूसरी तरफ जो है कि यहाँ जो है कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड सिब्बी और जैकबाबाद के अंदर जो है कि दर्जा हरारत होता है, कोई दुनिया का खिता है? अगर एक तरफ यहाँ सहरा है तो 700 किलोमीटर लंबी आपके पास समंदरी पट्टी है, आपके पास सोना चांदी तांबा है, आपके पास ऑयल है, आपके पास सेंधक मौजूद है। तो मेरा ख्याल है कि हम लोगों को ये यकीन दिलाएंगे जी, देखिए नौजवानों की बड़ी तादाद मौजूद है और हम इंगेज करेंगे। और मैं कहता हूँ सिर्फ हम नहीं, हमारी तरह के बेशुमार इदारे हैं, अलखिदमत अकेली नहीं है, अलखिदमत की तरह के बेशुमार इदारे हैं और बेशुमार लोग हैं कि जो इस जज्बे के साथ काम कर रहे हैं कि हमने लोगों में एक उम्मीद पैदा करनी है और लोगों से कहना है कि डू योर बिट, आप जो कर सकते हैं वो कीजिए। यानी ये नहीं नेवर गिव अप, देखें कभी, देखें जो हौसला छोड़ दे फिर तो वो इंसान नहीं है ना। यानी इसका मतलब है कि वो तो फिर वो पत्ता है कि जिसको हवा इधर से उड़ाकर उधर ले जाती है और उधर से उड़ाकर उधर ले जाती है। अगर वो इंसान है, अशरफुल मखलूकात है, और अगर उसके पास अल्लाह का
और अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है, तो उसको तो ना मायूसी, और इसी तो मायूसी और नाउम्मीदी को कुफर कहा गया है। हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों के अंदर जो है हम अल्लाह से मदद भी तलब करेंगे, जो हम कर सकते हैं वो भी करेंगे, और इंशाल्लाह हम ऐसे लोगों का इत्तेहाद बनाने में कामयाब हो जाएंगे कि जो मुआशरे के लिए, जो मुल्क के लिए, जो समाज और सोसाइटी के लिए अपने हिस्से का किरदार अदा करें। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे सैयद वकास जाफरी। आपने मुलाहिज़ा की हमारी गुफ्तगू, जैसे सर ने कहा कि अपने लिए तो सभी जीते हैं, अपनों के लिए जीना सीखें और पाकिस्तान को छोड़कर जाने से कुछ नहीं होगा, पाकिस्तान के अंदर रहकर कुछ करना होगा हमें। और इसी के साथ अपनी मेज़बान मिशी नईम को दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।